लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स और एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था क्लियर आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स एंड दर डेसीमल एक्सपांशन रियल नंबर एंड दर डेसीमल एक्सपांशन इसके अंदर आपको मैंने यहाँ आप पे एक एग्जाम्पल लिखा है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ टेन अपॉन थ्री चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है टेन अपॉन थ्री कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन इसका क्या होगा वो आपको ढूंढना है चलो स्टूडेंट्स तो यहां पे आपको दिया है टेन को थ्री से डिवाइड करना है ठीक है देखना स्टूडेंट्स यहां पे हम लिखेंगे टेन डिवाइडेड बाय थ्री ओके चलो थ्री टेन को थ्री से डिवाइड करें तो थ्री थ्री सा नाइन इन दोनों का माइनस करें तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स वन बचेगा क्लियर चलो अब वन जो है वो थ्री से डिवाइड तो नहीं हो सकता है तो यहाँ पे क्या रखेंगे पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा एक जीरो चलो अगेन थ्री थ्री जा नाइन माइनस करो वन जीरो लगाओ अगेन थ्री थ्री जा नाइन वन जीरो थ्री थ्री ज़ा नाइन वन ये चलता ही रहेगा स्टूडेंट्स राइट कंटिन्यू चलता ही रहेगा इसका कोई एंड है नहीं तो ऐसे जो नंबर्स है यहां पे देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या मिलता है आपको थ्री पॉइंट थ्री 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 डेस् डैश डैश चलता ही रहेगा राइट right? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थ्री पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं पॉइंट जो डेसिमल है उसके बाद जो एक्सपांड हो रहा है आपका वो चलता ही जा रहा है मतलब एक ही नंबर रिपीट होता रहता है थ्री so, पॉइंट कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है थ्री तो थ्री के ऊपर क्या लिख सकते हैं बार इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स थ्री पॉइंट थ्री बार क्लियर चलो तो ये जो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन है उसको हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है एंड रिकरिंग रिकरिंग मतलब एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग कहा और रिकरिंग का मतलब क्या रिपीट होता रहता है राइट right? तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्लियर है स्टूडेंट्स आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ऐसे नंबर को हम p बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन से फॉर्म में p बाय क्यू चलो अगर कोई नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे कौन सा नंबर कहते हैं हम रेशनल नंबर्स राइट इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर थे होल नंबर थे इंटीजर्स थे रेशनल नंबर थे इरेशनल नंबर थे राइट right? रेशनल तो नंबर मतलब जिसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरा हम क्या बोलेंगे ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर्स क्लियर इसको भी रेशनल नंबर कह सकते हैं चलो दूसरा एक एग्जाम्पल यहां पर दिया है सेवन अपॉन एट क्लियर चलो सेवन अपॉन एट जो है इसको आप देखो स्टूडेंट्स यहां पे तो चलो सेवन को हम एट से डिवाइड करें क्लियर चलो क्या होगा डिवाइड नहीं तो इधर ज़ीरो पॉइंट इधर क्या लगेगा जीरो चलो एट एट ज़ा सिक्सटी फोर सिक्स बचा ज़ीरो एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स सिक्सटी में से फिफ्टी सिक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स फोर और यहाँ पे क्या आ गया जीरो नाउ एट फाइव ज़ा फोर्टी क्लियर अब आगे कुछ होगा नहीं बिकॉज रिमाइंडर क्या बच गई जीरो तो ये ऐसे जो है अब आगे कुछ नहीं हो रहा है मतलब टर्मिनेट हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपानशन क्लियर है स्टूडेंट्स रिपीट नहीं हो रहा है बट क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया तो ये भी रेशनल नंबर ही कहलाएगा तो रेशनल नंबर में दो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग इसको भी रेशनल नंबर कह सकते हैं एंड टर्मिनेटिंग मतलब क्वेश्चन क्या मिली आपको जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव चलो इसको मुझे p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है मतलब फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स एट सेवन फाइव अपॉन थाउजेंड लिख सकते हैं हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर ये दोनों को हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर कह सकते हैं क्लियर है तो रेशनल नंबर मतलब p बाय क्यू फॉर्म दूसरा कौन सा डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड नहीं होता है वैसा एंड रिकरिंग मतलब जो रिपीट होता है अब ऐसे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर बार लगाएंगे जितने नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर क्या लगाएंगे बार ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सो so, ये हमने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल पढ़े एंड दूसरा हमने क्या पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्लियर स्टूडेंट्स आई so, होप आपको यह समझ में आ गया होगा नाउ नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं आज दैट इज एक्सप्रेस एक्सप्रेस द जीरो पॉइंट थ्री बार क्या लिखा है स्टूडेंट्स एक्सप्रेस जीरो पॉइंट थ्री बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए नहीं उसी को हम क्या कह सकते हैं रेशनल नंबर कह सकते हैं चलो तो किसको रिप्रेजेंट करना है जीरो पॉइंट थ्री बार चलो क्या मतलब इस का स्टूडेंट जीरो पॉइंट थ्री बार मतलब मैंने अभी बताया जिस नंबर पर बार है उसको वो क्या होता जाएगा रिपीट होता जाएगा मतलब कभी टर्मिनेट होगा नहीं टर्मिनेट नहीं है और रिकरिंग है रिकरिंग मतलब रिपीट होता रहता है उसके ऊपर ही बार आता है ओके okay? ये नंबर को आपको p फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है students. क्या करना है है फॉर्म में तो बहुत ही ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे जो भी नंबर दिया है उसको अज्यूम कर देंगे कि लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री बार क्लियर आपको यहां पे जो भी नंबर दिया है उसको अज्यूम क्या कर लेना है अज्यूम कर लेना है सो लेट इक्वल्स टू बार ओके। हो क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड मतलब यहां पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो टेन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर ऐसा नंबर होता 0.12 बार दोनों पे डिजिट बार है ना तो दो डिजिट पे बार है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बोला मैंने एक डिजिट पे बार है तो टेन से दो डिजिट पे बार है तो हंड्रेड से तीन डिजिट पे बार होता तो किससे करते थाउजेंड से क्लियर तो यहां पे हम दोनों तरफ टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय टेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे टेन से ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स चलो अगर मैं हम इसको टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू अब समझना यहां पे ये यह जो जीरो पॉइंट थ्री बार है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं राइट जीरो पॉइंट थ्री 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 ऐसे लिख सकते हैं ओके किससे मल्टीप्लाई करना है टेन मतलब एक जीरो है अब याद रखना डेसिमल के अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट होगा कौन सी साइड शिफ्ट होगा राइट साइड एक जीरो है मतलब एक पॉइंट शिफ्ट होगा तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा राइट तो क्या लिखेंगे हम थ्री पॉइंट थ्री 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 डैश 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 क्लियर तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थ्री पॉइंट चलो थ्री का थ्री पॉइंट का पॉइंट अब यहां पे थ्री तो रिपीट हो रहा है तो 3 बार लिख सकते हैं ऐसे तो इधर क्या आएगा पॉइंट थ्री बार इसको इक्वेशन नंबर टू देते थे राइट समझ में आ गया ये इक्वेशन टू कैसे आया ओके अब तो बहुत सिंपल है अब इन दोनों का क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन तो क्या लिखेंगे सब्ट्रेक्टिंग इक्वेशन देखो वन को टू में से माइनस करना है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू मतलब टू में से वन को माइनस करना है तो टू पहले लिखेंगे टेन एक्स ओके इक्वल्स टू के इस तरफ जो भी नंबर है उन दोनों का माइनस होगा तो क्या लिखेंगे टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू इस तरफ वाले नंबर का माइनस और इस तरफ वाले नंबर का माइनस तो क्या लिखेंगे इधर 3.3 bar minus बार bar clear बार क्लियर है स्टूडेंट्स ओके अब 10x एक्स में से एक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे 9x 10x टेन एक्स में से एक्स जाए तो 9x चलो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम थ्री पॉइंट थ्री बार माइनस जीरो पॉइंट थ्री बार ये दोनों तो क्या हो जाएगा कट थ्री में से जीरो जाए तो थ्री ओके नाउ अब इसको तो सॉल्व करो ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया नाइन कहाँ जाएगा नीचे तो थ्री अपॉन नाइन देर फोर चलो कटिंग पॉसिबल है यस yes. तो क्या करेंगे थ्री वन जा थ्री थ्री ज़ा तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री तो हो गया ये आपका पी बाय क्यू फॉर्म स्टूडेंट्स राइट तो हमने क्या किया जीरो पॉइंट थ्री बार को पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा क्लियर क्या करेंगे ऐसे टाइप के जो सब अगर आपको आएंगे एग्जाम में आए तो क्या करोगे आप जितने डिजिट्स के ऊपर बार है पहले तो जो भी नंबर दिया उसको एक्स ले लो अब जितने नंबर डिजिट्स के ऊपर बार है उतने जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ठीक है क्लियर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 1.27 बार इसको रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वे पी एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो चलो तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था लेट x इक्वल्स टू क्या जिम्म कर लेंगे 1.27 okay? बार ओके नाउ पॉइंट के बाद दो डिजिट के ऊपर बार है कितने डिजिट के ऊपर बार है दो तो दो डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से ठीक है so, क्या लिखेंगे इधर मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय हंड्रेड क्यों हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट के ऊपर बार था ऑन बोथ साइड ओके चलो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x एक्स इज इक्वल टू चलो स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं 1.27 27 रिपीट हो रहा है इसलिए 27 के ऊपर बार है तो 27 27 27 डैश 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 कंटिन्यू रहेगा ठीक है चलो अब हम यहां पे देखो स्टूडेंट्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे इसलिए मैंने क्या बताया था जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने डिजिट ये शिफ्ट होगा राइट साइड तो दो डिजिट शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये नंबर वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन डैश 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 तो क्या लिखेंगे इसकी जगह वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन बार लिख सकते हैं हम ओके तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट 27 bar. बार दिस इज द इक्वेशन नंबर Okay. ओके अब क्या होगा स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे इधर Subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. मतलब 2 में से 1 को माइनस करना है ओके okay? चलो 2 वाला इक्वेशन पहले तो 100x इसमें से ये माइनस तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन बार माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी सेवन बार ठीक है चलो वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन बार माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी सेवन बार ये दोनों कट हो जाएगा पॉइंट मतलब जीरो जीरो वन ट्वेंटी सिक्स तो हंड्रेड में से एक्स जाएंगे तो नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स क्लियर okay. है स्टूडेंट्स ओके नाउ देर फॉर एक्स इक्वल्स टू वन ट्वेंटी सिक्स अपॉन नाइन्टी नाइन नीचे आएगा नाइन्टी नाइन क्लियर है ओके कटिंग पॉसिबल है यस नाइन से कटिंग होगा दोनों का तो यहाँ पे फोरटीन नाइन ज़ा और इलेवन नाइन ज़ा नाइन्टी नाइन क्लियर स्टूडेंट्स तो आंसर क्या मिलेगा देर फॉर एक्स इज इक्वल टू फोरटीन अपॉन इलेवन सो दिस इज दी आंसर क्लियर सो इसको ये हमने पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है लेट टेक अनदर एग्जाम्पल चलो दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो कि एक्सप्रेस जीरो पॉइंट टू थर्टी फाइव आर देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव बार यहाँ पे थ्री और फाइव दोनों के ऊपर ही बार है टू के ऊपर बार नहीं है इसको क्या जिम कर लेंगे एक्स सॉरी इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब मैंने क्या बोला था आपको स्टूडेंट्स कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो डिजिट के ऊपर ही बार है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे इधर इक्वेशन वन बाय हंड्रेड चलो हंड्रेड से दोनों साइड ऑन बोथ साइड चलो इधर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हंड्रेड एक्स ओके यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं पहले तो ये रफ में लिखने का जीरो पॉइंट टू टू रिपीट नहीं हो रहा है सिर्फ थ्री फाइव रिपीट हो रहा है तो थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव डैश 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 ओके चलो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब दो डिजिट पॉइंट जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉइंट इधर आ गया तो क्या लिखेंगे इसको ट्वेंटी थ्री पॉइंट अब देखो इधर फाइव है फाइव का फाइव उसके बाद थर्टी फाइव थर्टी फाइव रिपीट हो रहा है तो थ्री फाइव बार क्लियर ओके तो इसकी जगह क्या लिखेंगे ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थर्टी फाइव बार इक्वेशन नंबर क्लियर ओके नाउ सेम चीज सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे सब्ट्रेक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू टू में से वन को माइनस करना है स्टूडेंट्स ओके okay. तो क्या लिखेंगे देर फॉर चलो हंड्रेड एक्स में से एक्स माइनस करो इज इक्वल टू यहां पे कौन सा नंबर है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थर्टी फाइव बार माइनस जीरो पॉइंट टू थर्टी फाइव बार चलो माइनस करें इधर लिखे थर्टी फाइव थर्टी फाइव कैंसिल फाइव में से टू जाएगा तो थ्री पॉइंट ट्वेंटी थ्री तो आंसर क्या मिलेगा हंड्रेड में से एक्स जाए तो नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री ओके अब ये 99 x का 99x इसको फ्रैक्शन में लिखना है बिकॉज हमें p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 233 थ्री थ्री अपॉन टेन लिख सकते हैं बिकॉज एक डिजिट के बाद पॉइंट है अब ये 99 नाइन कहाँ जाएगा नीचे देर फॉर एक्स इक्वल्स टू टू थ्री थ्री अपॉन नाइन्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्लियर है स्टूडेंट्स देर फॉर एक्स इज इक्वल टू चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे टू थ्री थ्री नाइन नाइन जीरो इन दोनों का मल्टीप्लाई कटिंग होगा नहीं सो दिस इज योर आंसर क्लियर सो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि एक्सप्रेस पी बाय एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू आई होप यू जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल थैंक यू